shit together. मायापुरी न्यूज रील में आपका स्वागत है। मैं हूँ श्रेया शर्मा। ये बॉलीवुड की खबरें देखते हैं फटाफट। जल्द बनेगा राउडी राठौर का सीक्वल। अक्षय कुमार स्टारर फिल्म राउडी राठौर के सीक्वल राउडी राठौर 2 की स्क्रिप्ट तैयार है और इसे सिर्फ इसके सह निर्माता संजय लीला भंसाली की स्वीकृति मिलने की जरूरत है। सलमान के एडवाइजर धर्मेंद्र। फिल्म भारत में सर्कस वाला एक सीन होगा जैसा राज कपूर की फिल्म मेरा नाम जोकर में धर्मेंद्र ने निभाया था। धर्मेंद्र का कहना है कि मुझे बहुत खुशी है कि मुझसे राय मांगी गई है, जितना हो सकेगा उतनी मदद करूंगा। केदारनाथ और सिम्बा में हुई सुलह। फिल्म सिम्बा और फिल्म केदारनाथ के प्रोड्यूसर्स ने सारा अली खान की शूटिंग डेट के इशू को कोर्ट के बाहर ही निपटा लिया है। बोल्ड सीन पर ससुराल का रिएक्शन। फिल्म में बोल्ड सीन पर सोनम कहती है, मेरे घर वालों या ससुराल वालों को इससे कोई दिक्कत नहीं है, ये मेरा काम है। ससुराल की तरफ से मुझे काफी अच्छा रिस्पांस मिला है। फिल्म फर्स्ट पीरियड। ट्विंकल खन्ना की नई फिल्म का नाम फर्स्ट पीरियड है और ये एक वेब सीरीज होगी। फिल्म में लड़कियों के फर्स्ट यानी पहले पीरियड जैसे विषय को दर्शाया जाएगा। जान से ज्यादा प्यार करती है रेखा। रेखा जेमिनी गणेशन की दूसरी पत्नी पुष्पावली की बेटी है, लेकिन इन सातों बहनों में जबरदस्त बॉन्डिंग और प्यार है। सभी एक दूसरे के लिए जान देने को भी तैयार रहती हैं। नेपोटिज्म पे बोली प्रियंका। प्रियंका ने कहा, मेरी कुछ शुरुआती फिल्मों से मुझे सिर्फ इसलिए बाहर कर दिया गया था क्योंकि मेरी जगह किसी ऐसे को दे दी जाती थी जिसे किसी ना किसी ने रेकमेंड किया होता था। शाहिद ने छोड़ी फिल्म। शाहिद कपूर ने नवंबर में इसके लिए लुक टेस्ट भी दिया था, लेकिन स्क्रिप्ट को लेकर शाहिद आश्वस्त नहीं दिखे और फिर उन्होंने फिल्म से अपना नाम पूरी तरह से वापस ले लिया। जीरो है श्रेया मिश्रा। शाहरुख खान की फिल्म जीरो में कई एक्टर शामिल हैं, अब एक और नया चेहरा शामिल हो गया है। जीरो में शामिल होने वाली नई एक्ट्रेस है श्रेया मिश्रा। श्वेता अमिताभ ऑटो में। अमिताभ और उनकी बेटी श्वेता ने एक विज्ञापन शूट किया। बिग बी ने लिखा, शूट के दौरान रिक्शा चलाने वाले शरीक ने बताया, रोज 1500 से 1800 कमा लेता हूँ, शूटिंग होती है तो 5000 मिल जाते हैं। अक्षय का स्वच्छ भारत अभियान। अक्षय कुमार ने स्वच्छ भारत मिशन के लिए एक विज्ञापन अभियान शुरू किया है। ये भारत में टॉयलेट टेक्निक को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। इसमें भूमि पेडनेकर भी साथ दे रही है। भावेश जोशी ने कसम खा ली। मैं तो चला, चाहे मेरा साया भी संग ना चले, कसम खाली मैंने। केक काटना गुलामी है। अमिताभ केक काटने की परंपरा से खफा हैं। उन्होंने कहा, अंग्रेज ये प्रथा छोड़ गए, हम अभी भी उनके गुलाम हैं। ये केक क्यों हमारी सभ्यता में दीप प्रज्वलित करते हैं, ये उसे फूंक कर बुझाने को कहते हैं। डेमी रोज की कातिलाना अदाएं। डेमी रोज ने हाल ही में बोल्ड फोटोशूट करवाया है। डेमी की इन बोल्ड तस्वीरों ने इंटरनेट पर सनसनी मचा दी है। डेमी गोल्डन बिकनी पहने हुए कातिलाना अंदाज के साथ पोज देती हुई नजर आ रही हैं। इश्क फरमाएंगी स्वीटी। नुसरत आतिफ असलम के वीडियो सॉन्ग बारिश में डांस का जलवा दिखाएंगी। वो इन दिनों इस गाने की शूटिंग में बिजी हैं। इन दिनों दोनों सितारे गाने की शूटिंग अमेरिका के लॉस एंजलिस में कर रहे हैं। आलिया भट्ट की नई फिल्म। आलिया ने बताया कि वो ऋषि कपूर के साथ एक बार फिर किसी फिल्म में काम करना चाहती हैं। आलिया फिल्म कपूर एंड सन्स में ऋषि कपूर के साथ पहले भी काम कर चुकी हैं। अब मिलिए भोजपुरी या सलमान खान से। खेसारी लाल यादव की आने वाली फिल्म दबंग सरकार के टीजर में खेसारी लाल एक्सरसाइज करते और बॉडी बनाते नजर आ रहे हैं। उनका ऐसा लुक इससे पहले किसी फिल्म में आपको शायद ही दिखा होगा। दीपिका को टक्कर देती मोनालिसा। भोजपुरी एक्ट्रेस मोनालिसा का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वो दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह के गाने लहू मुँह लग गया पर डांस करते हुए नजर आ रही हैं। सबसे ज्यादा स्टैचू वाली सिंगर। मैडम तुसाद म्यूजियम में काइली मिनोक के 4 वैक्स स्टैचू हैं। क्वीन एलिजाबेथ के बाद सिर्फ काइली ही हैं जिनके इतने स्टैचू मैडम तुसाद म्यूजियम में लगाए गए हैं। प्रियंका को मिला श्रीदेवी अवार्ड। प्रियंका चोपड़ा को हाल ही में हुए झारखंड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड के दौरान श्रीदेवी एक्सलेंस अवार्ड से नवाजा गया। इस अवार्ड को प्रियंका की मम्मी मधु चोपड़ा ने लिया। ये अवार्ड महेश भट्ट ने दिया। रवि किशन को मिला बेस्ट एक्टर अवार्ड। रवि किशन को झारखंड फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। ये अवार्ड उन्हें फिल्म काशी अमरनाथ के लिए मिला। सबसे बिजी एक्ट्रेस तापसी।
फिल्म पिंक में काम करने के बाद तापसी ने तमिल और तेलुगु फिल्मों में अपने एक्टिंग के झंडे गाड़ दिए हैं और साउथ फिल्म इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम बन गई हैं। मायापुरी न्यूज रील में इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे इसी समय, देखते रहिए मायापुरी कट।